तो गाइड्स, तो इस समय हम अपना मिसेस को अभी दवा खिलाने जा रहा हूँ, तो देख सकते हैं इसको दवा खिलाने का ढंग जो बहुत ही अलग है भाई। मतलब मैं तो बोलता हूँ भगवान को भी इसका बीमार मुझे दे, क्योंकि इसका दवा खाने में बहुत प्रॉब्लम है। अभी देखिए मैं इसको दवा खिला रहा हूँ, बिना नाक बंद किए तो ये दवा नहीं खा पाती है। तो चलिए मैं दवा खिलाने जा रहा हूँ, देखते रहिए। क्या करो आप रहेगा, तो दवा खिला खिला जाओ। देख सकते हैं अभी उसको गैस नहीं लगना है दवा का, नहीं तो वो उल्टी कर देगी और टाइट करने के लिए बोल रहे हैं हमको, तो मैं और टाइट कर रहा हूँ। मुंह को बंद नहीं किया, सिर्फ नाक को बंद किया। तो इसका नाक में थोड़ा सा दर्द है, शायद वो सर्दी की वजह से घाव हो गया है, तो उसका दर्द भी हो रहा है। बेचारा उपाय भी नहीं है, दवा भी खाना पड़ता है, बीमारी है, तो ये दवा खाते हुए भी उसको नाक बंद करना पड़ता है। तो इसने आज 6-7 दिन से दवा खा रहा है, ये सब दवा ख़त्म कर चुका है। ये रहा, और अभी भी ये बचा हुआ है 2 पीस, ये डेली एक है रात को सोते वक्त। तो इससे खांसी थोड़ा सा महसूस नहीं होता है, क्योंकि इससे खाने के बाद नींद आ जाती है, तो नींद आने से ये मजा हो जाता है। तो आपको अभी कैसा लग रहा है? दवा खा के अभी थोड़ा सा अभी गुण आ रहा है, गुण आ रहा है, वोमिट तो नहीं हो रहा है ना अभी? तो वोमिट तो नहीं हो रहा है, तो अभी ठीक ठाक लग रहा है ना? खून निकल गया, तो रात में दवा दवा के से खून निकल गया। तो भाई थोड़ा सा मालूम कीजिए यार, थोड़ा सा देखने के लिए इसको, भगवान भी इतना केयर नहीं करते हैं, तो सब भगवान को बहुत अच्छे केयर करने के लिए। अरे भैया बने रही ब्लॉग्स, तो मैं दिखाऊंगा फिर इसका दवा खा के, अभी तो अभी सो जाएगी, तो फिर हम मोबाइल पे रहेंगे अभी थोड़ी देर तक, तो देखते रहिए। ठीक है ब्लॉग्स, हाय गाइस, गुड नाइट।